मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के आवास का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान प्रकाश चौक कार्यालय से निकले क्रांति सेना के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने महावीर चौक पर रोक लिया। वहीं प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। दरअसल ये सभी लोग गौ हत्या के मामले में आरोपी रहे शहनवाज के द्वारा बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के प्रत्याशी डायरेक्टर वीरपाल निर्वाल को समर्थन देने से ये नाराज थे और इनकी मांग थी बीजेपी शाहनवाज का समर्थन न ले। आज क्रांति सेना के द्वारा जो अत्यारे शहनवाज के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी के घर पर धरना देने की घोषणा थी। जब यहाँ से धरना देने चले तो महावीर चौक पर हमें प्रशासन द्वारा रोक लिया गया और बताया गया कि बालियान जी घर पर नहीं है, आपकी समस्त मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। अगर आप कोई नहीं करेंगे शहनवाज जैसे अत्यारे के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी क्रांति सेना चुप नहीं बैठेगी और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जो इसके भाजपा के लोग हैं उनका घेराव किया जाएगा और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन अनशन आमरण अनशन प्रमुख किसी भी कीमत पर। क्रांति सेना ने ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, मैं उन्होंने ये बात की है कि मुजफ्फरनगर के कपौली गांव निवासी शहनवाज